तो रितम ये बताओ कि एक्चुअली इसमें ऐसा क्या है जो बाकी प्रोफेशंस से अलग है, एंड सिंस इट्स अ लॉन्ग जर्नी 5 to 6 इयर्स, कुछ लोगों का आजकल हो रहा है 4.5 इयर्स में भी हो रहा है, तो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी एंड हाउ एक्चुअली इज डिफरेंट सेटिंग दिस अपार्ट फ्रॉम द अदर प्रोफेशंस. सो द मेन फैक्ट इज कंटेंट, राइट. एक्चुअली एक ऐसा फील्ड को टारगेट करता है, एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट को टारगेट करता है जो कुछ सालों पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था. अब देखिए, एग्जिस्ट करता भी था तो बहुत नीच था. तो द कंटेंट इन एक्चुअल साइंस इज वेरी स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स जो दूसरे कोर्स में नहीं आता. दूसरे कोर्स आर मोर आई वुड से जनरलाइज इन अ वे. अब वो कर लोगे तो बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो. बट एक्चुअली एक ऐसा चीज़ है, अब इतना स्पेशलाइजेशन सीखते हो इन फ्यूचर, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बैंक्स एंड ऑल, तो वो एक चीज़ है ड्राइविंग फैक्टर कंटेंट. आप पेपर्स उठा के देख लो, CM1 में आप ऐसे चीज़ सीखते हो, क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पेमेंट स्कीम, एनुइटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जो दूसरे कोर्स में उतना हाईलाइटेड नहीं रहता. एंड वन थिंग सेट्स अपार्ट एवरीथिंग, बिकॉज एक्चुअली जहाँ काम करती है ना इंश्योरेंस कंपनीज, मैं अब उसका एग्जाम्पल दूंगा, उसका जो ऑपरेशन रहता है ना वो दैट इज ड्रास्टिकली डिफरेंट दैन एनी अदर टाइप ऑफ कंपनीज. आप कोई कमर्शियल कंपनी ले लो, कंपेयर दैट विद द वर्किंग्स ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, हेल एंड हेवन डिफरेंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो वॉट एंड वॉट इज बिहाइंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी, अ टीम ऑफ एक्चुअरीज. सो दैट इज द ड्राइविंग फैक्टर कि क्यों अलग है. एंड फ्यू अदर पॉइंट्स इज वेल कि बहुत फ्लेक्सिबल है. आप साल में 2 बार एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी पेपर अपने मन से दे सकते हो, कुछ गाइडलाइंस है. तो वो चीज़ दूसरे कोर्स में नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता. सो वो एक डिफरेंट फैक्टर है. एंड वन थिंग इज दैट कि ये जो टारगेट मार्केट कर रहा है ना, ये कोर्स जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है वो पहले नीच था, अभी उसका डिमांड बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है. पहले खाली इंश्योरेंस कंपनीज थे, अब बैंक्स आ गए, कंसल्टिंग्स आ गए. एंड एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी कितना अपॉर्चुनिटीज खुल गया. अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख लो, IFRS 17, बहुत सारे ऑडियंस ने सुना होगा, इतने सारे न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. US में आप चल जाओ, वेरिएबल एन्युइटी नया प्रोडक्ट आ गया. सो इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये दूसरे कोई भी प्रोफेशन में इतना फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे. तो इट्स वेरी हाई टाइम टू गेट क्वालिफाइड इन दिस प्रोफेशन, ताकि आप एक्सप्लॉइट कर पाओ जब बूम आएगा. अभी तक बूम आया नहीं है एक्चुअली इसका. सो इसलिए दिस सेट्स अपार्ट. ये अभी इमर्जिंग फील्ड है, पहले से इमर्जिंग था बट अभी बहुत फास्ट हो गया ये अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड. सो ये एक तो इट सेट्स एवरीथिंग अपार्ट. एंड हाँ, एक चीज़ है कि मोटिवेशन से पहले बोलना चाहूंगा कि आप जब बोलते हो किसी को कि मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, दैट लुक ऑन देयर फेस, दे पजल्ड लुक कि पता ही नहीं होता है क्या है. आप एक ऐसा चीज़ कर रहे हो जो वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया डू. सो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आता है, एक क्या बोलूंगा मैं, समथिंग ऐसा लगता है कि हम ऐसा पाथ में जा रहे हैं जो बहुत कम लोग हैं उस पाथ. हाँ, कॉम्पिटिशन कम है. कॉम्पिटिशन इज अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस फील्ड. अभी के इन इंडिया स्पेशली कॉम्पिटिशन है ही नहीं, बहुत कम होगा बट है ही नहीं. अभी आप जॉब अप्लाई करोगे मिल जाएगा चुटकी में, बट हाँ थोड़ा सा रहता है. नहीं वो तो चलो प्रोसेस है, बट काफी हाँ.